हेलो फ्रेंड, जी डी एस टू एम टी एस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एम सी क्यू देखेंगे बिजनेस आवर्स के बारे में। अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो फिफ्थ क्लास में आप इसका डिटेल देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर फिक्स्ड विथ रिगार्ड टू। पब्लिक बिजनेस आवर किस हिसाब से फिक्स किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला है लोकल कन्वीनियंस, दूसरा है द अराइवल टाइमिंग ऑफ मेल, तीसरा है द डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल। तो तीन ऑप्शन दिए हैं, लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से, दूसरा है मेल के आने के हिसाब से, आने के टाइमिंग के, और तीसरा है मेल के जाने के टाइमिंग के हिसाब से। तो ये तीनों करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सी, ए, 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेस ऑन नॉर्मल वीकडेज फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरी। तो नॉर्मल वीकडे में रेफरेंस और इंक्वायरी के लिए क्या टाइमिंग रहता है, तो हमें पता है कि पूरा दिन चालू रहता है, इसलिए आंसर रहेगा डी, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, यानी जब तक ऑफिस चालू है तब तक इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेस ऑन नॉर्मल वीकडेज फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। तो सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी के लिए कितना टाइम रहता है पोस्ट ऑफिस में, तो ये भी पूरे दिन चलता है, इसलिए इसका भी आंसर आएगा डी, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, जब तक पोस्ट ऑफिस चालू है तब तक पूरे दिन ये काम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीकडेज फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स पार्सल। तो बुकिंग का काम कितने टाइम तक चलता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता है कि अबाउट 6 to 7 hours, यानी 6 से 7 घंटे तक बुकिंग का काम चलता है पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हाट आर द आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग ऑफ सैटरडे फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वैल्यूएबल आर्टिकल पार्सल। तो सैटरडे को बुकिंग का काम कितने टाइम तक चलता है, ये पूछा गया है, तो ये इसका आंसर रहेगा यूजुअली फॉर अबाउट 5 hours, स्टॉपिंग एट 3 PM, यानी 3 बजे तक स्टॉप होता है, 5 घंटे तक काम चलता है सैटरडे को, बुकिंग का काम सैटरडे को 5 घंटे तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीकडे फॉर इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। तो मनी ऑर्डर बुकिंग का काम वीकडे में, यानी सैटरडे छोड़ के सोमवार से शुक्रवार तक कौन से टाइम तक चलता है मनी ऑर्डर बुकिंग का काम, पोस्टल ऑर्डर बेचने का और पेमेंट का काम, सेविंग बैंक SB सेविंग सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, ये सारे काम कब तक चलते हैं वीकडेज में, तो इसका आंसर रहेगा फॉर अबाउट 5 hours, 5 घंटे तक चलता है सेविंग बैंक का काउंटर और उसके अलावा जो भी है IPO और दूसरे भी जो मनी ऑर्डर बुकिंग का काम, ये भी 5 घंटे तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। तो सैटरडे को कितने घंटे तक चलता है, तो ये फॉर अबाउट 3 hours, 3 घंटे तक काम चलता है सैटरडे को, वीकडे में 5 घंटे तक चलता है मनी ऑर्डर बुकिंग का काम और सेविंग बैंक का काम, उसके अलावा टेलीफोन बिल के पेमेंट का काम 3 घंटे तक चलता है सैटरडे को, बाकी दिन में 5 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस रिमेन ओपन ऑन संडे। तो संडे को कौन से पोस्ट ऑफिस ओपन रहते हैं, तो ऑप्शन दिए हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, इसमें से नाइट पोस्ट ऑफिस करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस रिमेन ओपन ऑन संडे, आंसर इज नाइट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर्स ऑन विच द प्रिस्क्राइब लेट फी इज पेड ड्यूरिंग सर्टन स्पेसिफिक आवर्स। फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर पोस्टिंग ऑफ लेटर्स ऑन विच द प्रिस्क्राइब लेट फी इज पेड ड्यूरिंग सर्टन स्पेसिफिक आवर्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव, यानी सारे जगह पे ये काम चलता है जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, लेट फी देके पेमेंट करके, लेट फी पेमेंट करके एक्स्ट्रा आवर्स स्पेसिफिक आवर्स में हम पोस्टिंग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पोस्टिंग कर सकते हैं, इन द लेटर बॉक्सेज एट RMS ऑफिस, यानी RMS ऑफिस के लेटर बॉक्स में कर सकते हैं, दूसरा इन द लेटर बॉक्सेज एट सिलेक्टेड ऑफिस, सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में भी कर सकते हैं,
इन द लेटर बॉक्सेज ऑफ द मेल वैन ऑफ आरएमएस सेक्शन, आरएमएस सेक्शन के मेल वैन के जो लेटर बॉक्स है वहाँ पर भी हम लेट फी दे के पोस्टिंग कर सकते हैं समय खत्म होने के बाद भी। और ये सारे करेक्ट ऑप्शन, इसलिए आंसर रहेगा हमारा डी, ऑल दी अबव। ऑप्शन है इसका डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, मशीन फ्रैंक आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन, मशीन फ्रैंक आर्टिकल को कहाँ पर पोस्टेड नहीं करनी है। तो इसको हम जैसे कि पता है इन द पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में हम मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में द मेल वैन लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में मेल वैन के हम मशीन फ्रैंक फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन रहेगा सी, बोथ दी अबव, यानी ऊपर दिए गए दोनों करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सी, बोथ दी अबव। 11th क्वेश्चन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट कहाँ पर एक्सेप्ट होंगे संडे को और हॉलीडे को, और लेट फी भी नहीं लगेंगी। तो ये कौन सी जगह है, पहली है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, दूसरी है आरएमएस ऑफिस, तीसरी है नाइट पोस्ट ऑफिस, और ये सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन रहेगा डी, ऑल दी अबव। तो पीएसओ यानी प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में भी होता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पोस्टिंग संडे को और हॉलीडे को भी। उसके बाद में आरएमएस ऑफिस में भी पोस्टिंग कर सकते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा डी, ऑल दी अबव, इन सारी जगह पर हम पोस्टिंग कर सकते हैं संडे और हॉलीडे को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, और कोई भी लेट फी नहीं लगेंगी। नेक्स्ट, एज पर पीओ गाइड वन हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिस, हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिस, एक क्वेश्चन है। पीओ गाइड वन में दिया गया है 16, लेकिन अभी हो गए 17, तो इसका आंसर रहेगा सी, 17। हॉलीडेज कितने ऑब्जर्व किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आंसर है इसका 17 इज करेक्ट आंसर। पीओ गाइड वन में 16 दिया है, लेकिन अभी जो हॉलीडे लिस्ट रिलीज होती है उसमें 17 हॉलीडेज रहते हैं। तो ये थे क्लास 5 के क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक आप क्लास 6 को पूरा देख के रट डालो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए।